वेलकम दोस्तों, कम रिस्क में अच्छे मुनाफे के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश एक बेहतरीन विकल्प है। इस समय बाजार में निवेश के तमाम विकल्पों में म्यूचुअल फंड ही एक अच्छा और टिकाऊ रिटर्न देता है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में निवेशक म्यूचुअल फंड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, खास करके SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। इसमें निवेश करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जिन लोगों को बाजार की कम जानकारी है उनके लिए म्यूचुअल फंड एक सुरक्षित विकल्प है। म्यूचुअल फंड के जरिए न सिर्फ शेयर बाजार में बल्कि गोल्ड और कमोडिटी डेट वगैरह में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश की कोई विकल्प बाजार में मौजूद नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों बेहतर होगा कि आप किसी एक्सपर्ट की मदद से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में आप अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं पा सकते हैं और आपके पैसे पे भी रिस्क रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं म्यूचुअल फंड में निवेश के विभिन्न विकल्पों के बारे में चर्चा करूंगा, जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्य और निवेश की अवधि को ध्यान में रखते हुए निवेश विकल्प को चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिलकर स्टॉक, शॉर्ट टर्म के निवेश या अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लगता है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैंने पहले बताया वैसे बहुत सारे इन्वेस्टर की धनराशि को जमा करके म्यूचुअल फंड की स्थापना होती है और उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य सेम होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है जो आपके फंड को मैनेज करता है। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक AMC के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जैसे कि HDFC AMC या UTI AMC वगैरह, आपने नाम सुना ही होगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनी नए फंड को लॉन्च करती है, उस प्रक्रिया को NFO कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। NFO आमतौर पे शेयर बाजार में जैसे शेयर को लिस्ट करने के लिए IPO की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल उसी तरह से आप उसे समझ सकते हो। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी को NFO लाने से पहले SEBI से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड AMCs नया NFO बाजार में लॉन्च कर सकती है, जिसकी शुरुआत 10 रुपए की NAV से आमतौर पे होती है। दोस्तों, SEBI एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो म्यूचुअल फंड AMCs को और स्टॉक मार्केट वगैरह को सबको रेगुलेट करती है। जैसे कि आपने RBI का नाम सुना होगा जो बैंकों को रेगुलेट करती है, वैसे ही SEBI म्यूचुअल फंड AMC को रेगुलेट करती है और हमेशा एक छोटे इन्वेस्टर के हित को ध्यान में रख के ही चलती है। दोस्तों, IPO में आपको 10 रुपए की NAV के प्राइस से आपको यूनिट प्रदान किए जाते हैं। अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको उसके सामने 1,000 यूनिट प्रदान किए जाते हैं, और समझिए कि आप 1 साल या 2 साल के बाद जब आप उसे बेचने के लिए जाएंगे तब वो फंड की NAV अगर 12 रुपए हो गई होती है, 12 रुपए के हिसाब से अगर आप अपने 1,000 यूनिट बेचोगे तो आपको 12,000 रुपए मिलेंगे, यानी सीधा 10,000 रुपए के सामने आपको 12,000 यानी 20% का आपको रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको NAV और यूनिट में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप पेन का बंडल या पेंसिल का बंडल खरीद रहे हो और पेंसिल की प्राइस 10 रुपये है और एक बंडल में 10 पेन है, यानी कि 100 रुपये में आपने 10 पेंसिल ली, तो सिंपल है कि आपकी NAV यानी कि पेंसिल की प्राइस 10 रुपये है और आपके पास नंबर ऑफ यूनिट यानी कि टोटल पेंसिल 10 होती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप 10 रुपये के NAV से अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास 1,000 यूनिट होंगे और आपके NAV की प्राइस 10 रुपये होगी। तो दोस्तों, अब हम म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का सबसे पहला फ़ायदा होता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया वैसे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाता है, जो अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड या डेट या कोई दूसरी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, फंड मैनेजर्स एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल होते हैं और उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च और एनालिसिस की एक टीम होती है, और उसका फ़ायदा दोस्तों हमें एक 500 रुपये जैसी छोटी अमाउंट पे भी मिल सकता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो फंड ओनरशिप। दोस्तों, हम जैसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शेयर मिलता है, वैसे ही हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें NAV के हिसाब से यूनिट मिल जाती है और ये यूनिट की हमारी ओनरशिप होती है। समझ लो कि फंड की वैल्यू 10,000 करोड़ की है, जिसमें अगर हमने 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए हैं तो 10,000 रुपये की हमारी वो फंड में ओनरशिप हो जाती है और वो फंड का प्रॉफिट और लॉस हमें हमारी अमाउंट के हिसाब से मिलता है। उसके अलावा दोस्तों,
तीसरा लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन का। दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आप 5,000 या 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है उतना किया है, और दोस्तों आपको कोई बड़ा शेयर, जैसे हम इंडिया के टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो सब आज के डेट में सबसे महंगा MRF लिमिटेड का स्टॉक है जिसकी वैल्यू 69,900 के ऊपर है, पेज इंडस्ट्री जिसकी वैल्यू 41,000 है। तो इस तरीके के शेयर में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो इतना एक शेयर खरीदने के लिए इतनी बड़ी हमारे पास अमाउंट होनी चाहिए, लेकिन हम अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक होंगे वो हमें छोटी से अमाउंट में भी उसमें भागीदारी मिल जाएगी। आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1,000 रुपये की SIP का है तो मैं आपको HDFC टॉप 100 के का पोर्टफोलियो बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री है, दूसरे नंबर पे HDFC लिमिटेड है, तीसरे नंबर पे ICICI है, बाकी के स्टॉक आप देख सकते हो, ये मेजर होल्डिंग है। तो दोस्तों आप यहाँ पे अगर 1,000 रुपीज़ आपके SIP के जाएंगे या 10,000 रुपीज़ लमसम में जाएंगे तो उस 9.26% आपके रिलायंस इंडस्ट्री में जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि HDFC लिमिटेड के स्टॉक की प्राइस 1,396 रुपीज़ है, तो आप अगर 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका होगा तो आपको एक पूरा शेयर भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप यही HDFC टॉप 100 के फंड के थ्रू जाएंगे तो आपके पास 8% की हिस्सेदारी वहाँ पे होगी, तो उतने परसेंट के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट HDFC लिमिटेड में होगा। उसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो उसके शेयर की प्राइस है 2,400 रुपये प्लस, तो उसमें भी आपका उतना ही इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो दोस्तों इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप 5,000, 10,000 या 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो के हिसाब से पैसे डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे लाखों इन्वेस्टर के पैसे कंट्रीब्यूट होने के बाद ये सब जगह पे इन्वेस्ट होता है, तो जिसका फ़ायदा हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू मिलता है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों उसके अलावा एडवांटेज ये है कि ऑब्जेक्टिव, दोस्तों म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग ऑब्जेक्टिव के आधार पे भी स्कीम लॉन्च करती है, जैसे कि ग्रोथ फंड, लिक्विड फंड, इनकम फंड या ALSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो टैक्स सेवर होती है, तो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी फंड चूज करने का आपको मौका मिलता है। उसके अलावा आपको लो रिस्क रहता है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि यहाँ पे आपके फंड का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर का भी आपको सपोर्ट मिलता है, तो दोस्तों आपको ये भी यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। दोस्तों इसके अलावा मैंने पहले ही आपको बताया कि सेबी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है, सभी म्यूचुअल फंड AMC के रेगुलेटर सेबी है, तो जिसका आपको एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर बहुत बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि सेबी हमेशा एक छोटे से छोटे निवेशकों के फायदे को ही प्राधान्य देता है। दोस्तों सभी म्यूचुअल फंड AMC सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करती है, तो एक आपको एश्योरिटी रहती है कि एक गवर्नमेंट बॉडी आपके म्यूचुअल फंड कंपनी पे टोटल वॉच रख रही है और उसे कंट्रोल कर रही है। उसके अलावा दोस्तों टैक्स सेविंग, अगर आप ALSS फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत उसका भी एडवांटेज मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आपको स्विच करने का भी एक एडवांटेज रहता है, जैसे कि दोस्तों अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के एक फंड में थे उसमें से आप दूसरे फंड में जाना चाहे तो स्विच के जरिए सीधे चले जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया था और आपको लगा कि आपको इक्विटी फंड में जाना है, या दोस्तों आप इक्विटी फंड में थे और आपको अभी लग रहा है कि आपको लिक्विड फंड में जाना है, तो आप सिंपल एक स्विच के जरिए एक फंड से दूसरे फंड में जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ट्रांसपेरेंसी भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, म्यूचुअल फंड की कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ डिटेल्स में चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे कई सारे एडवांटेज है जो आपको एक म्यूचुअल फंड प्रदान करता है। अब दोस्तों हम म्यूचुअल फंड के प्रकार की बात करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, एक तो बेस्ड ऑन मैच्योरिटी पीरियड यानी कि मैच्योरिटी के हिसाब से, जिसमें आपको ओपन एंडेड स्कीम मिल जाती है, और दूसरा ऑप्शन क्लोज एंडेड स्कीम मिलती है। दोस्तों ओपन एंडेड स्कीम यानी कि आप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो फंड हमेशा ओपन रहता है या पर्टिकुलर टाइम के बाद ओपन एंडेड हो जाता है, जिसमें आप अपने फंड को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं उस दिन के NAV के हिसाब से। दूसरा प्रकार है क्लोज एंडेड स्कीम्स। क्लोज एंडेड स्कीम्स एक पर्टिकुलर टाइम तक क्लोज रहती है, उसमें आप वो टाइम पीरियड के बाद ही उसे खरीद या बेच सकते हैं। तो दोस्तों इमरजेंसी के टाइम में अगर आपको विड्रॉ करना होगा तो क्लोज एंडेड स्कीम में से आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ओपन एंडेड स्कीम में अगर आपने इन्वेस्ट किया हो तो आप इजीली उसे उस दिन के NAV के हिसाब से सेल करके पैसे विड्रॉ कर सकते हो।
लेकिन दोस्तों क्लोज एंडेड स्कीम का ये एडवांटेज है कि आपका पैसा 3 साल या 5 साल के लिए लॉक रहेगा, तो आपका फंड मैनेजर उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। जबकि ओपन एंडेड स्कीम में फंड मैनेजर को पता नहीं है कि आप कब विड्रॉ करेंगे, तो वो थोड़ी सी लिक्विडिटी के लिए थोड़े पैसे अपने पास रखते हैं, पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंपेयर टू क्लोज एंडेड थोड़ा बहुत रिटर्न कम मिलने की संभावना है, लेकिन आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, आप जब चाहे तब वहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। एसेट क्लास के आधार पर म्यूचुअल फंड के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार है डेट फंड। डेट फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो एक एश्योर्ड इनकम रिटर्न देते हैं। डेट फंड कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य कई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। दोस्तों डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से कंपनी या सरकार पैसे उधार लेती है और वापस एक निश्चित ब्याज दर के साथ लौटाती है। इन सभी सिक्योरिटीज में एक निश्चित ब्याज दर होती है और इनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है, तो निश्चित रिटर्न की वजह से डेट फंड को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है। डेट फंड कम रिटर्न की अवधारणा पर कार्य करते हैं, यानी कि इसमें बहुत कम रिस्क है लेकिन रिटर्न भी उतना ही कम रहता है। डेट फंड को भी दोस्तों 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, गिल्ड फंड, जंक बॉन्ड फंड और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। गिल्ड फंड की बात करें तो ये फंड अपना पैसा मात्र गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार को पैसे देने की वजह से इस प्रकार के डेट फंड में रिस्क की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। गिल्ड फंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के होते हैं। जंक बॉन्ड स्कीम की बात करें तो इस प्रकार के फंड में पैसा कॉरपोरेट बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड की अपेक्षा में अधिक रिस्क होता है, लेकिन दोस्तों इनमें गिल्ड फंड से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जो ज़्यादा रिस्क होने की वजह से ज़्यादा रिटर्न के फॉर्मूले पे काम करता है। उसके अलावा अगला डेट फंड के प्रकार की बात करें तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, जिसे दोस्तों FMP के नाम से भी जाना जाता है। ये कम रिस्क वाले प्लान होते हैं जिन्हें आप बैंक FD की तरह समझ सकते हैं। ये एक निश्चित मैच्योरिटी समय के साथ आते हैं, जैसे कि 3 साल या 5 साल। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान ज़्यादातर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। इनका रिटर्न ज़्यादातर बैंक FD से ज़्यादा होता है। अब दोस्तों दूसरे प्रकार की बात करें तो लिक्विड फंड। लिक्विड फंड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये म्यूचुअल फंड की किसी भी समय रिडीम करवाया जा सकता है। रिडीमशन अप्लाई करते ही 24 घंटे के भीतर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। नॉर्मली बाकी सभी म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करने में आपको 4 वर्किंग डेज यानी कि आपके यूनिट बेचने के बाद आपको 4 वर्किंग डेज के बाद आपको पेमेंट मिलता है, लेकिन लिक्विड फंड्स में आपको 24 घंटे के अंदर पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों लिक्विड फंड में आप मिनिमम 3 दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लिक्विड फंड डेट फंड की कैटेगरी का सबसे कम रिटर्न देने वाला फंड है, लेकिन सबसे सुरक्षित भी यही फंड है। लिक्विड फंड सेविंग बैंक अकाउंट और बैंक FD का बेस्ट ऑप्शन होता है, इसीलिए आपको आपके अतिरिक्त पैसे लिक्विड फंड में पार्क करके रखने चाहिए। दोस्तों लिक्विड फंड में आजकल आपको ATM कार्ड की सुविधा भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड AMCs दे रही है, आप सीधे ATM से भी ATM कार्ड डाल के वो पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों लिक्विड फंड्स के बाद दूसरा प्रकार है इक्विटी फंड। ये म्यूचुअल फंड का सबसे लोकप्रिय फंड है। इक्विटी फंड में लोग ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न की आशा में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर द्वारा लगभग पूरा निवेश स्टॉक मार्केट में किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी आगे अलग अलग स्कीमों में बांटा जा सकता है, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ELSS थीमेटिक फंड, हाइब्रिड फंड वगैरह। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर देता हूँ। लार्ज कैप फंड, जिसे आप ब्लू चिप फंड के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों यहाँ पे कैप का मतलब कैपिटल है। किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनी का साइज की वैल्यू। लार्ज कैप कंपनी की मुख्य विशेषता ये होती है, कंपनी भरोसेमंद, प्रतिष्ठित एवं उस सेक्टर की अग्रणी कंपनी होती है। दोस्तों लार्ज कैप फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जो अपना पैसा बड़े बाजार पूंजीकरण वाले कंपनी में लगाता है। लार्ज कैप कंपनी पहले से ही ग्रोथ प्राप्त कर चुकी होती है, इसीलिए यहाँ रिटर्न बाकी फंड्स की अपेक्षा में थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, परंतु रिटर्न में आपको निरंतरता ज़्यादा मिलती है। दोस्तों लार्ज कैप फंड में कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा कम रिस्क रहता है। जिन लोगों को कम रिस्क के साथ निवेश करना है और इक्विटी में भी बने रहना है, तो ये स्कीम उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाती है। लार्ज कैप कंपनियां पहले से ही बेहतर तरीके से स्थापित होती है, इसलिए उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा आपका जोखिम कम कर देती है। अपने यहां पे आपको कुछ लार्ज कैप कंपनी के उदाहरण देखने हो तो मैं आपको बताऊं तो रिलायंस, ब्रिटानिया, ITC, HUL वगैरह जैसी बड़ी कंपनियां होती है। अब दूसरे प्रकार की बात करें तो मिड कैप फंड।
जो म्यूचुअल फंड की स्कीम मिड कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करती है वो मिड कैप म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। मिड कैप वाली कंपनी मध्यम श्रेणी में लिस्टेड कंपनी होती है। यह कंपनियां ऐसी होती है जिन्होंने अपना व्यापार स्थापित कर लिया है, ग्रोथ के लिए अभी भी उनके पास बहुत स्कोप होता है। दोस्तों मिड कैप फंड में लार्ज कैप फंड की तुलना में आपको अधिक रिटर्न देने की क्षमता होती है, वहीं थोड़ी कम रिस्क के साथ स्मॉल कैप फंड से ये फंड थोड़ा कम रिटर्न देता है। अगर दोस्तों आप मॉडरेट रिस्क के साथ कुछ अच्छा रिटर्न चाहते हो तो आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप वाली कंपनियों में निवेश करते हैं वो स्मॉल कैप फंड कहलाते हैं। स्मॉल कैप फंड वाली कंपनियां मार्केट में नए बिजनेस के साथ स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करती है, यानी कि जो अभी तक मार्केट में पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं होती है, लेकिन फंड मैनेजर उनमें से कोई कुछ अच्छी कंपनियों को चुनते हैं जो भविष्य में जाके स्मॉल कैप या लार्ज कैप भी बन सकती है, और ऐसी कंपनी में पोर्टफोलियो बना के वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फंड मैनेजर का कभी कभी दाव उल्टा भी पड़ सकता है तो आपको रिटर्न नेगेटिव भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न स्मॉल कैप का रिटर्न लार्ज कैप और मिड कैप से ज़्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न प्रदान करता है। अगर आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है तो आपको कुछ लंबा समय देना होगा, लंबे समय गुजरने के साथ ही यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल का है तो आप स्मॉल कैप फंड को चूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगला प्रकार जिसे मल्टी कैप फंड कहते हैं, जिसका प्रचलन आजकल बहुत ज्यादा है। म्यूचुअल फंड के प्रकार में मल्टी कैप कैटेगरी बहुत ही लोकप्रिय कैटेगरी हो रही है। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड के नाम से ही आपको अंदाजा आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड के एक से अधिक प्रकार में स्टॉक में निवेश करता है। मल्टी कैप फंड स्कीम में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में एक निश्चित परसेंटेज में निवेश किया जाता है। अपनी इसी विशेषता के कारण मल्टी कैप फंड म्यूचुअल फंड निवेशकों में काफी लोकप्रिय हो रहा है। दोस्तों ये एक मॉडरेट रिस्क और रिटर्न पर आधारित फंड है। अगले इक्विटी फंड के प्रकार की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी मल्टी कैप फंड के जैसे ही है। दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड भी मल्टी कैप फंड के जैसा ही एक फंड है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सीबिलिटी होती है, यानी कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड में रहता है, और इस 65 में बिना किसी पूर्व निर्धारित सीमा के लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर की इच्छा अनुसार निवेश किया जा सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड में मल्टी कैप फंड जैसे फिक्स्ड एलोकेशन का नियम नहीं होता है। उसके अलावा इक्विटी फंड का अगला प्रकार है ELSS म्यूचुअल फंड। ELSS का अर्थ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, जिसके बारे में मैंने आगे भी आपको बताया था। दोस्तों ELSS इक्विटी में निवेश करने वाली स्कीम होती है। यह स्कीम इक्विटी ओरिएंटेड होती है। बेसिकली दोस्तों ELSS स्कीम में का 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और इसमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को इनकम टैक्स धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट में छूट मिलती है, जिसका भी आप फायदा ले सकते हो। उसके अलावा अगला प्रकार है थीमेटिक फंड। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड को थीम के आधार पर बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड एक थीमेटिक फंड है जो हाउसिंग थीम में निवेश करता है, जिसके लिए म्यूचुअल फंड सीमेंट की कंपनी, पेंट की कंपनी, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी हाउसिंग सेक्टर के रिलेटेड कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करती है। तो इस तरीके के फंड को थीमेटिक फंड कहा जाता है। अब दोस्तों अगला प्रकार है हाइब्रिड या बैलेंस फंड, जिसमें दोस्तों डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है। मैक्सिमम 35% डेट और मैक्सिमम 65% इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, जो फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से एक्सपोजर लेता है। और दोस्तों बैलेंस फंड में आपको इक्विटी और डेट दोनों का बैलेंस मिल जाता है, जो रिटर्न थोड़ा कम देता है लेकिन आपको सेफ्टी भी प्रदान करता है। उसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड के और भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि ETF, जिसके लिए मैंने एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया है। ETF फंड के अलावा इंडेक्स फंड, इंटरनेशनल फंड, फंड ऑफ फंड, रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रंस फंड, रियल एस्टेट फंड जैसे बहुत सारे फंड हैं, जिसमें से दोस्तों आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फंड चुन सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो सभी फंड में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो जरूर से आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही छोटा वीडियो है। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।